हेलो एवरीवन गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग नमस्कार सत श्रीकाल कैसे हो भाई सभी लोग आई होप यू गाइज आर गुड आई एम योर फ्रेंड यूअर गाइडर निशा शर्मा जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूं हमारा चैनल डेडिकेड है टीचिंग एग्जाम्स को सो so गाइज अब है ना हमने दो टाइम फिक्स कर दिए हैं एक रात नौ बजे साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेशन रहा करेगा और एक सुबह ग्यारह से साढ़े ग्यारह साढ़े से साढ़े आई थिंक ग्यारह बजे फिक्स कर देते हैं एक क्लास सुबह ग्यारह बजे रहा करेगी जो किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है चाहे वो जीएस की हो चाहे वो साइकोलॉजी हो हरियाणा जी की वट एवर कुछ भी हो सकती है एक क्लास सुबह ग्यारह बजे भी, भी आपको अब रेगुलर मिला करेगी ठीक है हाँ। तो आज की क्लास में कल दो तीन चार बच्चों के लाइव सेशन में कमेंट्स आए थे कि मैम ऐसी वीडियो बना दो जिसमें सभी विधियां और उनके जनक हमें बता रखे हों कि कौन कौन सी मनोविज्ञान की विधि है और उसके कौन कौन से जनक है ठीक है तो ये क्लास सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है चाहे मैंने थमनेल पे वट कुछ भी लिखा हो ठीक है तो मनोविज्ञान के कौन कौन से सिद्धांत हैं कौन कौन से जनक हैं कौन सी मेजर विधियां थी आपको पता हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन कंफर्म आते हैं यहां से और ये कंप्लीट पीडीएफ जिससे मैं पढ़ा रही हूं, ये अचीवर निशा शर्मा जो टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल इस वीडियो के नीचे लिंक दे, दे देंगे कमेंट सेक्शन में वहां पर यह पीडीएफ शेयर कर दी गई है ठीक है हाँ आप तो विजिबल नहीं हो मैम क्या बात विजिबल नहीं हूं मैं यार ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम नहीं भाई विजिबल तो हूं कुछ भी भूत है क्या तुम्हारे फोन में मैं विजिबल नहीं दिख रही <laughs> देखियो तो फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है तो आई डोंट थिंक सो कि किसी स्टूडेंट को इसका आंसर नहीं पता होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है भाई थोन को कहा जाता है ठीक है एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर या शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक है वो किसको कहा जाता है वो कहा जाता है बेटा थोन डाइक को वो किसको कहा जाता है थोन डाइक को कहा जाता है नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि या भूल एवं प्रयत्न या संयोजनवाद आपको पता है थोन डाइक का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर जो मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड उसी के ही ये तीनों नाम है ठीक है ट्रायल एंड एरर मेथड के ही ये तीनों नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत संयोजनवाद का सिद्धांत ये तीनों नाम एक ही सिद्धांत के हैं तो आपको पता है आंसर भी फिर सेम ही होगा कौन थोन डाइक ये जो सिद्धांत दिया था ये किसने दिया था बच्चे थोन डाइक ने इस सिद्धांत को दिया था मनोविज्ञान के जनक तो मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कई जगह हम कहते हैं विलियम वुंट को माना जाता है लेकिन ध्यान से सुनेगा क्वेश्चंस के डिफरेंस ठीक है यहाँ पर भी क्वेश्चन सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रखा है ध्यान से देखिए मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछे ना जनक शब्द तो यहाँ पर ये यह गलत लिखा हुआ है आपको आंसर करना अरस्तु ठीक है मनोविज्ञान के जनक आपसे पूछा जाए मनोविज्ञान के जनक कौन थे तो आंसर आएगा अरिस्टोटल मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है अरिस्टोटल को माना जाता है क्या मनोविज्ञान का जनक ठीक है तो मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है भाई अरिस्टोटल या यू कैन से अरस्तु को माना जाता है मनोविज्ञान का जनक अब बात आती है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है विलियम विलियम या जेम्स अब ध्यान से सुनिए यहां पर लिखा है विलियम जेम्स लेकिन ये सेम क्वेश्चन के के एग्जाम में आया था और उन्होंने अपनी आंसर की में कहा कि हम आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को मानेंगे क्यों मानेंगे रीजन क्या है क्योंकि विलियम वुंट ने क्या की थी प्रयोगशाला स्थापित की थी विलियम वुंट ने क्या की थी प्रयोगशाला स्थापित की थी जो लेबोरेटरी थी मनोविज्ञान की फर्स्ट लेबोरेटरी थी तो हाँ तो मनोविज्ञान की जो फर्स्ट लेबोरेटरी थी ना तो वो विलियम वुंट ने एस्टेब्लिश की थी तो कहते हैं सही मायने में मनोविज्ञान को उसी ने मॉडर्नाइज किया उसी ने आगे बढ़ाया तो बहुत सारी किताबों में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं और मैंने भी इसको बहुत पहले पढ़ाया था विलियम जेम्स नो डाउट क्योंकि विलियम जेम्स हैं मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर लेकिन अब बहुत सारे एग्जाम्स में जो आंसर की दे रही है विलियम विलियम वुंट वुंट को दे रही है। दे रही रही है है क्यों कि ने प्रयोगशाला स्थापित की थी तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता होने के साथ साथ उन्होंने मनोविज्ञान को एक आधुनिक रूप प्रदान किया था तो इसीलिए आपको यदि ऑप्शन में आधुनिक मनोविज्ञान के पिता में विलियम वुंट और जेम्स दोनों मिले ना बेटा दोनों मिले तो विलियम वुंट को टिक कर देना और एक मिले तो दिक्कत ही नहीं है विलियम जेम्स अकेला मिले, वुंट ना मिले, तो ठीक है नहीं आता है, तो विलियम जेम्स से टिक करके आओगे नेक्स्ट है प्रकार संप्रदाय के जनक फंक्शनिज्म जो संप्रदाय है आपको पता है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी थे बहुत सारे स्कूल थे साइकोलॉजी के कोई प्रकार से रिलेटेड था कोई संरचनावाद से रिलेटेड था कोई मानवतावाद से रिलेटेड था कोई प्रेगमेटिज्म से रिलेटेड था तो ऐसे बहुत सारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी थे तो जो फंक्शनलिज्म के जनक माने जाते हैं जो कहते हैं काम को करना चाहिए मतलब एक्ट को करो उसको खाली दिमाग से सोचो मत मात्र हम सोचते रहते हैं मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा सोचने से कहा मिलते हैं तमन्नाओं की शहर चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए सोचना नहीं बेटा चलना होता है चलोगे तो ही अचीव करोगे कुछ तो आंसर आएगा प्रकारियावाद के संप्रदाय कौन थे विलियम जेम्स ठीक है तो कौन थे विलियम जेम्स तो फंक्शनिज्म पर जो बात की थी वो किसने की थी बच्चे विलियम जेम्स ने बात की थी नेक्स्ट है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड जिसको हम आगमन और निगमन विधि कहते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड यू कैन से आगमन एंड निगमन विधि ठीक है इसको हम आगमन और निगमन विधि कहते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मैथड कहते हैं आगमन और निगमन विधि कहते हैं तो आगमन और निगमन विधि आपको पता है बहुत ज्यादा बार हम पढ़ चुके हैं इंडक्टिव जब आप एग्जाम्पल्स रूल की तरफ जाते हो जो आपको आता है उससे जो नहीं आता उसकी तरफ पढ़ते हैं तो ये आगमन विधि का उदाहरण होता है और निगमन विधि इसके अपोजिट होती है जब हम रूल्स से मूव करते हैं ठीक है तो वो कौन सी विधि होती है वो निगमन विधि होती है तो आगमन और निगमन विधि अरिस्टोटल की गिवन है ठीक है आगमन और निगमन विधि अरिस्टोटल ने दी हुई है तो आगमन और निगमन विधि किसने दी है भाई अरिस्टोटल ने दी हुई है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता मतलब जो प्रोजेक्ट मेथड है तो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किसको कहा जाता है किल पैट्रिक को कहा जाता है ठीक है प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किसको कहा जाता है भाई किल पैट्रिक को लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन का डिफरेंस प्रोजेक्ट विधि के जनक आपसे पूछे तो आप आंसर करेंगे किल पैट्रिक कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछे प्रोजेक्ट विधि का किसने विकास किया था ठीक है प्रोजेक्ट विधि को किसने आगे बढ़ाया था तो आप आंसर करेंगे जॉन डीवी ठीक है प्रोजेक्ट विधि को किसने आगे बढ़ाया था प्रोजेक्ट विधि का जन्मदाता कौन था तो आप आंसर करेंगे बच्चे जॉन डीवी ठीक है तो जॉन डीवी थे जो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता थे जिन्होंने प्रोजेक्ट विधि को आगे बढ़ाया था तो वो कौन थे जॉन डीवी थे ध्यान रखेंगे तो प्रोजेक्ट विधि के जनक जॉन डीवी नेक्स्ट है डाल्टन विधि ठीक है डाल्टन विधि हेलन पाक हास्ट ठीक है डाल्टन विधि किसके द्वारा दी गई है हेलन पार्क हर्स्ट ठीक है डाल्टन विधि डाल्टन विधि किसके द्वारा दी गई है डाल्टन विधि दी गई है कुमारी हेलन पार्क हस्ट के द्वारा कुमारी हेलन पार्क हस्ट के द्वारा कौन सी विधि दी गई है बेटा डाल्टन विधि जो बच्चों को खेल खेल में सिखाने टाइप में ही थी ये विधि तो हेलन पार्क हस्ट ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है ठीक है जो मैं आपको एक भी क्वेश्चन करवाऊंगी एक भी वीडियो करवाऊंगी हमेशा मैं कहती हूं एग्जाम का एक नंबर श्योर होगा नेक्स्ट है किंडर गार्डन पद्धति नेक्स्ट है किंडर गार्डन अब आपको पता है किंडर गार्डन है ना खेल खेल में सिखाना मतलब टीचर को माली की संज्ञा दी गई है कि अध्यापक एक माली की तरह होता है जैसे माली अपने पेड़ पौधों की रक्षा करता है पेड़ पौधों को संजोता है उसी तरीके से उसी तरीके से जो अध्यापक होता है ठीक है तो जैसे माली अपने पेड़ पौधों को सींचता है तो उसी तरीके से जो अध्यापक होता है तो वो अध्यापक भी क्या करता है भाई जैसे माली अपने पेड़ पौधों को सींच रहा है तो उसी तरीके से जो अध्यापक होता है वो भी तो बच्चों की केयर करता है तो माली से कंपेरिजन अध्यापक की, की है किसने फ्रेडरिक फ्रोबेल ने और इसी ने किंडर गार्डन विधि का मतलब बताया था जिसमें बॉल के माध्यम से बच्चे खेल रहे थे मतलब इस तरीके से बाहर के एनवायरमेंट हर चीज पर इसने जो है बात की थी नेक्स्ट है किंडर गार्डन का शाब्दिक अर्थ है बच्चों का बगीचा मतलब बच्चों का बगीचा बगीचे की देखभाल माली करता है तो वैसे ही बच्चे और टीचर हैं ठीक है तो अध्यापक को माली के समान किसने माना यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है तो फ्रोबेल ने नेक्स्ट है मांटेसरी विधि के जनक ठीक है मांटेसरी विधि इटली की थी ये डॉक्टर थी पेशे से कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थी बट इसने क्या किया इसने ये मनोवैज्ञानिक नहीं थी ये इटली की एक डॉक्टर थी और इसने क्या किया था भाई इसने अपना एक सिस्टमेटिक वे से एक uh, मतलब एक सिस्टमेटिक uh, वे से एक uh, सही वाले तरीके से क्या किया था ये देखा कि uh, जो ये होती है ब्लॉक्स वगैरह होते हैं बहुत सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट मिलते हैं प्लेवे स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए ठीक है तो मारिया मांटेसरी ने ऐसे देखा कि प्लेवे स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे ब्लॉक्स वगैरह बहुत महंगे मिलते हैं तो इसको लगा यार ये शिक्षा का तरीका तो बहुत अच्छा है खेल खेल में बच्चे सीख रहे हैं बट ये बहुत महंगा है तो आम स्कूल वालों को भी ये प्रोडक्ट कैसे मिले तो इसने क्या किया था लकड़ी के गत्ते टुकड़े लिए उनसे ये ब्लॉक्स वगैरह बनाए गरीब बच्चों को उन चीजों सिख, सिखाया पढ़ाया तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई ठीक है और इसकी इसने खिलाया था अन्वेषण टाइप में भी वर्ड यूज कर सकते हो ठीक है शोध विधि या अन्वेषण विधि यू कैन से ह्यूरिस्टिक विधि तो इसके जनक कौन थे इसके जनक थे आर्मस्ट्रोंग ठीक है इसके जनक कौन थे आर्मस्ट्रोंग तो ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आपसे पूछा जाए तो आंसर आएगा आर्मस्ट्रोंग ठीक है ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आपसे पूछा जाए तो आंसर आएगा क्या बेटा आर्मस्ट्रोंग ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ध्यान रखना ह्यूरिस्टिक मीन्स एक तरह से खोज करना ठीक है खोज वोज करना तो उसको ह्यूरिस्टिक शब्द से यूज किया गया है ये एक ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है ग्रीक भाषा का ह्यूरिस्टिक शब्द ग्रीक लैंग्वेज का है जिसका मतलब होता है उत्पन्न कोई खोज करना ठीक है नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक तो बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा या वृद्धा शिक्षा बोलते हैं बेसिक शिक्षा कह दो बुनियादी शिक्षा कह दो या वृद्धा शिक्षा कह दो 1937 में गिवन थी किसके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा ठीक है 1937 में गिवन थी किसके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा बेसिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा या हम इसको वृद्धा शिक्षा के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट है आत्म संप्रतय की अवधारणा ठीक है नेक्स्ट है आत्म संप्रत्य की अवधारणा किसने दी थी सेल्फ एक्चुलाइजेशन ये वो वाला नहीं है जो अब्राहिम मैस्लो वाला मोटिवेशन है ये एक तरह से सेल्फ कॉन्सेप्ट है अपने आप को समझने वाला कॉन्सेप्ट है मतलब वो इंटरनल इंटरनली वाला टाइप में कॉन्सेप्ट है ठीक है तो आत्म आत्म संप्रत की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है विलियम जेम्स के द्वारा ठीक है कई बार आया है ये क्वेश्चन भी स्टार लगा लीजिए इंपॉर्टेंट है आत्म संप्रत की अवधारणा विलियम जेम्स के द्वारा दी गई है मंजू बाला टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग का बैच बिल्कुल भी ऑफ नहीं किया है बेटा आपकी वैलिडिटी चेक कर लो आपकी वैलिडिटी ओवर हो गई होगी बैच बिल्कुल ओपन है टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग का कोई भी उसके अंदर ऑफ नहीं किया गया है ठीक है आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई होगी एक बार चेक कर लेना आप नेक्स्ट है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या स्टूमलेस रिस्पॉन्स थ्योरी अधिगम का बंद सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत ये सारे के सारे ध्यान से सुन लीजिए सारे के सारे नाम वही ट्रायल एंड एरर मेथड के ही हैं जो थोन डाइक की प्रसिद्ध विधि है 1913 में अट्ठारह में उसने बिल्ली पर प्रयोग किया था और 1913 में ये विधि शिक्षा के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी कि बच्चे जो है अभ्यास में प्रयत्न से सीखते हैं बिल्ली पर एफर्ट करके दिखाया गया था बिल्ली पर प्रैक्टिकल करके दिखाया था तो इसी सिद्धांत को हम एस आर थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि थोन डाइक का मानना है जब बिल्ली को स्ट्यूमलेस मिलेगा तभी वो रिस्पॉन्स देगी स्टूनलेस कोई भी चीज हो सकती है एक्स वाई जेड कोई भी चीज स्टूनलेस हो सकती है जो हमें अट्रैक्ट करती है मेरे लिए स्टूमलेस हो सकते हैं आपके कमेंट्स आप जब वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो के नीचे जो कमेंट्स करते हो तो वो मेरे लिए स्टूनलेस का, का काम करते हैं मुझे दिखता है यार बच्चे कमेंट कर रहे हैं इसका मतलब बच्चों को मुझसे पढ़ना पसंद है और बच्चों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो मैं फटाफट -फड़ से रिस्पॉन्स करती हूँ होंडा एक सही कहता है भाई स्टूनलेस मिलता है तो रिस्पॉन्स जल्दी होता है ठीक है तो मेरे लिए स्टूमलेस यही है कि आप वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कर दिया करो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करो क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ने का बड़ा शौक है ठीक है अच्छा लगता है कमेंट्स को पढ़ के कि हाँ, मतलब स्टूडेंट क्या सोचते हैं पता चल जाता है यूं तो यूं लगता है यार पैसिव से लर्नर हो तुम पता ही नहीं लगता तुम फील क्या कर रहे हो है ना तो कमेंट्स इसलिए बहुत जरूरी होते हैं तो एस आर थ्योरी के जन्मदाता तो एस आर थ्योरी इसी को बोलते हैं अधिगम का बंद सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं संबंधवाद का सिद्धांत भी इसी को बोलते हैं और ये पूरा मैंने डिटेल से करवा रखा है लर्निंग थ्योरीज बाय निशा मैम लिख के देख लेना पूरा डिटेल से करवा रखा है कि इसको कनेक्शनिज्म सिद्धांत क्यों बोला इसको संबंधवाद सिद्धांत क्यों बोला इसको एस आर थ्योरी क्यों बोला इसको अभ्यास में प्रयत्न क्यों बोला पूरा डिटेल से कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है आप वीडियो जरूर देख लेना कॉन्सेप्ट वाली ठीक है क्योंकि अब हम प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं एक तरह से और कंटेंट तो मैं यूट्यूब पर भी पढ़ा चुकी हूँ और अचीवर अकेडमी ऐप पर तो बिल्कुल डीप और कंप्लीट कंटेंट पढ़ा चुकी हूँ पीजीटी लेवल तक का कोई भी एग्जाम हो जाए देखो क्लियर तो ये सारे सिद्धांत अव्यव का सिद्धांत बहु खंड बुद्धि का सिद्धांत तो ध्यान रखना प्रशिक्षण अंतरण समय अवय सिद्धांत ये क्वेश्चन कितनी बार आया है कितनी बार आया है ठीक है अवयव का सिद्धांत मल्टी इंटेलिजेंस सॉरी नॉट मल्टी इंटेलिजेंस मल्टी फैक्टर ठीक है मल्टी फैक्टर थ्योरी ये भी किसने दी है थोंडाइक थोंडाइक कहता था ना इंसान में बहुत सारी मेंटल एबिलिटीज होती हैं आप में जिस जिस प्रकार की मेंटल एबिलिटीज होती हैं मतलब इंसान में बहुत सारे प्रकार की मेंटल एबिलिटीज होती हैं तो आप में जिस जिस प्रकार की मेंटल एबिलिटीज होती हैं आप उसी उसी प्रकार की आपके अंदर बुद्धि होती रहती है ठीक है तो बहुकारक सिद्धांत थोंडाइक ने दिया है लेकिन बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है ठीक है फिर है बीने साइमन बुद्धि के परीक्षण तो बीने साइमन नाम ही दे दिया फिर रहा है यार प्रतिपादक कौन है तो मतलब उल्लू बनाने वाली बात के, द्वारा के किया गया था नाइनटीन जीरो फाइव में बीने साइमन बुद्धि स्केल से बुद्धि का सर्वप्रथम मापन किया गया था ठीक है फिर नाइनटीन जीरो एट में इन्होंने एक मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया फिर आगे आके इन्होंने आई क्यू का कॉन्सेप्ट दिया वो इसने नहीं दिया वो स्टर्न ने दिया था ठीक है फिर आगे आके उसके ऊपर फार्मूला क्रिएट हुआ तो इस तरीके से बुद्धि का कंटेंट चलता रहा बट बुद्धि में जो पहला काम करता है वो बीने ही करता है ठीक है तो बुद्धि में पहला काम जो करता है वो बीने ही करता है तो इसीलिए बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता आपसे पूछे तो सीधी सी बात है भाई बुद्धि में पहला काम बीने कर रहा है तो बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता भी कौन है बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता भी कौन है तो बीने ही हैं ध्यान रखना है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत ये बुद्धि के कुछ सिद्धांत गिवन है एक खंड जिसको हम यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं एक खंड बुद्धि का सिद्धांत जिसको हम यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं मीन्स बीने कहता है कि इंसान का दिमाग है इसके अंदर यहाँ पर एक यूनिट है हम जो कुछ सीखते हैं इसी यूनिट से सोचते हैं जो कुछ समझते हैं इसी यूनिट से सोचते हैं और इस यूनिट को हम विभाजित नहीं कर सकते डिवाइड नहीं कर सकते अविभाज्य इकाई हम इसको बोलते हैं अनडिवाइडेबल इसको विभाजित नहीं किया जा सकता अविभाज्य इकाई होती है ये अखंड खंड इकाई होती है इसको खंडित नहीं किया जा सकता ना ही इसको विभाजित किया जा सकता ठीक है अभी इसको विभाजित नहीं किया जा सकता तो बीने के द्वारा ही ये लिया गया था फरवरी में लिया था तो टीजीटी इंग्लिश स्क्रीनिंग का बैच तो एक साल वैलिड है बच्चे तो आपका अभी फरवरी में लिया था तो अगली फरवरी तक वैलिड होगा आप अपनी ईमेल आईडी एक बार भेज देना मैं चेक कर लूंगी क्यों बंद हो गया या आपको अपना पासवर्ड याद ना हो एक बार अपना देख लेना बैक करके दोबारा से हाँ नेक्स्ट है दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया भाई तो दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया स्पीयरमैन ने ठीक है दोखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है स्पीयरमैन ने स्पीयरमैन कहता है कि बुद्धि में दो इकाई होती हैं ठीक है स्पीयर मैन क्या कहता है स्पीयर मैन कहता है कि बुद्धि के अंदर दो इकाई होती हैं जो कोई भी इंसान की बुद्धि होती है उसमें दो इकाई होती हैं एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर ठीक है मतलब एक जनरल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर मतलब एक सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट बुद्धि ठीक है तो ये कहता है भाई एक सामान्य बुद्धि होती है और एक क्या होती है विशिष्ट बुद्धि होती है सामान्य बुद्धि वो होती है जो जन्मजात सबके पास होती है बाय बर्थ जो सब में होती है जो सबके पास होती है वो तो जन्मजात होती है जनरल इंटेलिजेंस होती है वो विशिष्ट बुद्धि वो होती है जो बाय बर्थ हमारे पास नहीं होती जिसको हम अर्जित करते हैं जिसको हम एनवायरमेंट से या कहीं से भी अर्जित करते हैं एक्वायर करते हैं जिसको हम तो वो तो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है जैसे ये नहीं बोलते फलाना फलाना टीचर फलाने सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया है तो वो बाय बर्थ थोड़ी ना बढ़िया था उसने उस चीज पे मेहनत की उस चीज को सीखा है तभी तो बढ़िया है तो ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है और सामान्य इंटेलिजेंस जो आप सब में होती है तो ये जीएस फैक्टर भी पूछ ले आपसे किसने दिया है तो स्पीयर मैन ने दिया था दो बुद्धि ठीक है कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है स्पियर मैन के हिसाब से जो विशेष बुद्धि होती है तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दे देंगे कि वो हेरिडिटिकल होती है वो जन्मजात होती है वो बाय बर्थ होती है ऐसे करके आपको ऑप्शन डाल देंगे तो आपको ध्यान रखना है बच्चे कई बच्चे कहेंगे मैम हम एक्वायर भी तो एनवायरमेंट से करते हैं हम एक्वायर भी तो वातावरण से करते हैं तो हम इसको वातावरण संबंधित बोलेंगे है ना कई बच्चे बोलते हैं मैम हम एक्वायर भी तो वातावरण से करते हैं तो हम इसको वातावरण संबंधी बुद्धि बोल देंगे लेकिन बेटा ध्यान रखेंगे जरूरी नहीं है कि हम वातावरण से एक्वायर करें स्पीयरमैन कहता है आप मेरी सुन के भी एक्वायर कर सकते हो आप बुक पढ़ के भी एक्वायर कर सकते हो आप तो किसी भी तरीके से एक्वायर कर सकते हो जरूरी तो नहीं है कि एक्वायर सिर्फ एनवायरमेंट से ही हो ऐसा जरूरी नहीं है ना इसीलिए जो स्पेसिफिक बुद्धि होती है वो एक्वायर की जाती है किसी भी फॉर्म में ठीक है कभी भी नहीं लिखोगे वातावरण होती है जब इसने वातावरण बोला ही नहीं तो आप अपनी मर्जी से थोड़ा ना ऐड कर देंगे ठीक है हाँ जी सुनीता पनवार बिल्कुल मैथ्स का भी बैच है सभी सब्जेक्ट्स का बैच है लगभग ऑल सब्जेक्ट्स के बैच आपको मिल जाएंगे ठीक है ना सभी सब्जेक्ट्स के बैच आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट है तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत नेक्स्ट है तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत तो ध्यान रखेंगे जब स्पीयर मैन ने दो खंड सिद्धांत दिया जब जब स्पीयर मैन ने दो खंड सिद्धांत दिया तो उसने साथ में ही एक और सिद्धांत भी दिया जिसको क्या कहा गया था तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत उसने कहा इन दो बुद्धि के बीच एक और बुद्धि भी होती है ठीक है उन दो बुद्धि के बीच एक और बुद्धि भी होती है तो ऐसा करके उसने बात कह दी कि इन दो बुद्धि के बीच एक और बुद्धि भी होती है तो ऐसा करके उसने ये बात कही तो इसीलिए इसको क्या कहा गया तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत तो ध्यान रखेंगे दो खंड कहें या तीन खंड कहें तीन खंड अलग है त्री आवामी अलग है जेपी गिलफर्ड वाला कंफ्यूज मत होना ठीक है कमल मैम मैंने डिजिट इंग्लिश का कोर्स लिया था आपसे तेरह मई को एक्सपायर हो गया है क्या मुझे नया लेना चाहिए या उसी को एक्सटेंड करवाना चाहिए रुकमणी ऋतु कमल आपको बिल्कुल नया नहीं लेना चाहिए उसी को एक्सटेंड करवाना चाहिए क्योंकि कोई भी बच्चा यह ना सोचे मेरे अचीवर अकेडमी ऐप पे कि जो पुराना बैच है वो पुराना ही रहता है वो बिल्कुल पुराना नहीं रहता जो भी नया पढ़ाया जाता है पुराने बैच में एड ऑन कर दिया जाता है हम हमेशा टाइमली अपडेट करवाते रहते हैं नए में कुछ अलग नहीं मिलने वाला पुराने में भी नया ऐड हो जाएगा नई चीजें हम पढ़वाते रहते हैं अपडेट करवाते रहते हैं नया फीस लगाने की जरूरत नहीं है नया कोर्स लेके पुराने में सब कुछ अपडेट मिलेगा उसी कोर्स को आप एक्सटेंड करवा लें नया ना खरीदें बिल्कुल भी ठीक है हाँ नया तब खरीदना होता है जब आपको कोर्स ही चेंज करना है मान लो आपको टीजीटी इंग्लिश का ही स्क्रीनिंग कोर्स रखना है तो उसको स्क्रीनिंग लाइव या कुछ नया लेने का कोई फायदा नहीं है ठीक है आपको मान लो कोर्स ही अलग पढ़ना है भाई मुझे तो अब हरियाणा का पेपर ही नहीं पढ़ना मुझे तो केवीएस पढ़ना है मुझे तो सुपर टेट पढ़ना है तो आप नया कोर्स लो सेम कोर्स को नया लेने की जरूरत नहीं होती सेम कोर्स हमारा लाइव भी आता है तो रिकॉर्डेड के अंदर वो एज इट इज चलाया जाता है तो इसलिए टेंशन ना ले बिल्कुल हाँ. भी ठीक है हा नेक्स्ट है क्लियर हुआ भाई नेक्स्ट है त्रि आवामीय सिद्धांत बुद्धि का त्रि आवामीय सिद्धांत तो बुद्धि का जो त्रि आवामीय सिद्धांत है तो वो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था वो किसने दिया है जेपी गिलफोर्ड ने दिया है बुद्धि का त्रि आवामीय सिद्धांत किसने दिया है जेपी गिलफोर्ड ने संजय पीडीएफ डाउनलोड होती है वो थोड़ी सी बड़ी है वो पूरी साइकोलॉजी की एक साथ डाल रखी है मैंने दो पेज की पीडीएफ है इसलिए वो थोड़ा सा टाइम लेगी बट वो डाउनलोड हो जाएगी थोड़ा वाईफाई नेटवर्क में ामीय सिद्धांत किसके द्वारा गिवन है भाई जेपी गिलफोर्ड के द्वारा गिवन है सिद्धांत किसके द्वारा गिवन है जेपी गिलफोर्ड के द्वारा गिवन है बुद्धि संरचना का सिद्धांत जो बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत है जो बुद्धि का संरचना सिद्धांत है वो भी इसी सिद्धांत को ही बोलते हैं ये वैसे ही दो लिख दिया जो त्री सिद्धांत है जो थ्री डायमेंशनल सिद्धांत है जिसके अंदर जेपी गिलफोर्ड ने तीन चीजें दी थी उसने आपको इंडेक्स दिया था उसने आपको प्रोसेस दिया था और उत्पाद संक्रिया और रिजल्ट ठीक है रिजल्ट को उत्पाद बोलते हैं इसको भी बोलते हैं विषय इंडेक्स प्रोसेस एंड रिजल्ट ठीक है तो ये इसने तीन चीजें दी थी जिसमें 120 एलिमेंट थे टोटल 120 एलिमेंट 120 तत्व थे और इसी को बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है तो इसी सिद्धांत को बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है ठीक है फिर है समूह खंड सिद्धांत समूह खंड सिद्धांत इट्स गिवन बाय थ्रिस्टन ठीक है ये किसके द्वारा गिवन है ये थ्रिस्टन के द्वारा गिवन है जो थ्रिस्टन है उसने बुद्धि का बहु खंड सिद्धांत दिया था इसने इसमें पीएमए दी थी और पीएमए कितनी दी थी बेटा सेवन ठीक है पीएमए दी थी कितनी सेवन सात में दी थी मतलब इसने सेवन जो है पीएम में दी थी बुद्धि की तो बुद्धि का खंड सिद्धांत के द्वारा गिवन है जिसमें इसने कितनी पीएम में दी थी सेवन ठीक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की किसी भी इंसान में सात प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती है नेक्स्ट है युगम तुलनात्मक निर्णय विधि ये इसकी अभिवृत्ति मापनी की विधि है ठीक है युगम तुलनात्मक अभिवृत्ति वाले चैप्टर में आती है ये वाली विधि और ये विधि किसने दी है ये विधि बेटा थ्रस्टन ने दी है ये विधि भी किसने दी है थ्रस्टन ने दी है तो ये जो विधि है ना ये सारी की सारी अभिवृत्ति और एप्टीट्यूड वाले चैप्टर से संबंधित है और तीनों ही किससे संबंधित है थ्रस्टन से संबंधित है ठीक है तीनों ही थ्रस्टन से संबंधित है कौन कौन सी देखिए युगम तुलनात्मक निर्णय विधि है ना समृष्टि अंतरविधि समृष्टि विधि और न्यायदर्श समदृष्टि अंतर विधि क्रम बद अंतराल विधि और युगम तुलनात्मक विधि ठीक है ये अभिवृत्ति और अभी मनोवृत्ति वाले चैप्टरों से चैप्टर से रिलेटेड है और ये तीनों ही किसके द्वारा गिवन है भाई थ्रेस्टन के द्वारा ठीक है तीनों ही किसके द्वारा गिवन है थ्रेस्टन के द्वारा ये शॉर्ट में आपको एक एक मेथड एक एक विधि का रिविजन है न्यायदर्श और प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत ठीक है न्यायदर्श और प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था थॉमसन के द्वारा दिया गया था किसके द्वारा गिवन था भाई थॉमसन के द्वारा गिवन था नेक्स्ट है पदानुकर्मिक महत्व का सिद्धांत पदानुकर्मिक बुद्धि का सिद्धांत तो जो पदानुकर्मिक बुद्धि का सिद्धांत है वो किसके द्वारा गिवन था बर्ट एवं बर्णन के द्वारा ठीक है वो किसके द्वारा गिवन था बर्ट एवं बर्णन के द्वारा गिवन है कौन सा पदानुकर्मिक बुद्धि का सिद्धांत द्वारा गिवन है बर्ट एवं बर्न के द्वारा ठीक है तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये किसके द्वारा गिवन है भाई कैटल के द्वारा तो ऐसे याद कर लेंगे तरल और तरल और चीजों को हम कैटल में डालते हैं तो ये सिद्धांत बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि स्पीयर मैन वाला सिद्धांत था ठीक है वो कहता ना जन्मजात होती हैं और अर्जित करते हैं तो उसी तरीके से ये कहता तरल बुद्धि तो भाई वो होती है जो हेरिडिटिकल हमें मिलती है जो वंशानुक्रम से मिलती है और ठोस बुद्धि वो होती है जो हम वातावरण में आके जिसको अचीव करते हैं लेकिन ये स्पेशल शब्द यूज करता है वंशानुक्रम और वातावरण स्पीयरमैन यूज करता है जन्मजात और अर्जित ठीक है तो शब्दों को ध्यान रखेगा इसी को प्रतिकारक सिद्धांत भी कहते हैं ओके भावना इसी को प्रतिकारक सिद्धांत भी कहते हैं कै और खै बुद्धि का सिद्धांत भी उसी तरीके से कै बुद्धि का सिद्धांत हैब के द्वारा गिवन था हैब के द्वारा गिवन था यस भावना पीजीटी केमिस्ट्री का बैच है अनिल सर पढ़ा रहे हैं और लाइव बैच है बिल्कुल दो क्लास पर डे ले रहे हैं सर एक सुबह में और एक शाम में और आई थिंक काफी सिलेबस चला गया है बट वो तो सेव हो गया वो बैच में सेव हो जाता है तो चल रहा है पीजीटी केमिस्ट्री ठीक है और पीजीटी के जो भी टीचर्स हैं सब नेट क्वालिफाई हैं तो जो कंटेंट है वो पूरा ऑथेंटिक नेट लेवल तक का मिलेगा बुद्धि इकाई का सिद्धांत बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था स्टार ने तो ध्यान से देखेंगे बुद्धि इकाई है पर. तो इकाई शब्द शब्द है है है, पर, ठीक तो बुद्धि मतलब यूनिट इंटेलिजेंस का जो थ्योरी दिया था वो किसने दिया था भाई स्टार नेवम जोनसन ने किसने दिया था स्टारनेवम जोनसन बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र आईक्यू को ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था भाई विलियम स्टर ने ठीक है ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं आई क्यू शब्द को भी इंट्रोड्यूस किया एम ए बटे सी ए मल्टीपल एम ए बटे सी मेंटल एज बटे क्रोनोलॉजिकल एज मानसिक आयु और वास्तविक आयु गुणा में सो तो ये भी किसने दिया था स्टर्न ने ही दिया था लेकिन ज्यादा डीप आपसे पूछे कि मल्टीपल हैंडेड करने का काम किसने किया था तो सही मायने में जो मल्टीपल हैंडेड करने का काम था ये टर्मन ने किया था लेकिन फिर भी पूरे फार्मूले पे जो नाम जाता है वो इसी का जाता है किसका आपके स्टर्न का ठीक है स्टर्न का ही नाम जाता है बट रियलिटी इज रेट टर्मन ने मल्टीपल हैंडेड किया था और फिर जो एक टेबल है जिससे हम मापते हैं ये मंद बुद्धि है ये ये बुद्धि है ये बुद्धि है तो ये टेबल भी टर्मन ने ही दिया था ठीक है संरचनावाद संप्रदाय के सिद्धांत संरचनावाद सिद्धांत विलियम वुंट ने दिया था ठीक है संरचनावाद सिद्धांत विलियम वुंट ने दिया था पीजीटी हिंदी का बैच दस दिन बाद मिल जाएगा पीजीटी इकोनॉमिक्स के एक दो डेमो वीडियोस डाल दी गई हैं आप एक बार चेक कर लो अच्छा लगे तो आप कमेंट कर देना बैच ले आएंगे अदरवाइज अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में ही हूँ हंड्रेड परसेंट डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं टीचर को ठीक है बट आप कोई बात नहीं पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो डेमो है चैनल के ऊपर डाल रखा आप एक बार चेक कर लो अभी कल परसों ही दो वीडियो डलवाई है मैंने मैम की हाँ नेक्स्ट है संरचनावाद संप्रदाय के जनक तो विलियम वुंट है संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट है ठीक है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान संरचनात्मक मनोविज्ञान आपको पता है ये सब किसका कॉन्सेप्ट है भाई विलियम वुंट का क्योंकि पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर 1869 विलियम वुंट के द्वारा ही दी गई थी विकासात्मक मनोविज्ञान आपको पता है सबको विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है भाई जीन प्याजे ठीक है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है जीन प्याजे संघनात्मक मनोविज्ञान कहे विकासात्मक मनोविज्ञान कहे एक ही बात है ओर्गनिज्म से रिलेटेड जीन प्याजे हैं रियल इंस्टिंक्ट मूल प्रवृत्तियों की बात करें मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता मनोविज्ञान में किसको कहा जाता है तो मूल प्रवृत्तियों के जन्म जन्मदाता मैकडूगल को कहा जाता है ठीक है मूल प्रवृत्तियों का जन्मदाता किसको कहा जाता है मैकडूगल को कहा जाता है, है? मनोविज्ञान के अंदर मूल प्रवृत्ति हॉर्मिक हॉर्मिक दृष्टिकोण यही था मानवतावाद से रिलेटेड ह्यूमनिज्म से रिलेटेड ठीक है तो मानवतावाद या ह्यूमनिज्म से रिलेटेड है तो ये ये भी किसने दिया है भाई ये भी मैकडूगल ने ही दिया है ठीक है हॉर्मिक जो मानवतावाद ह्यूमैनिज्म तो इस टाइप का जो कांसेप्ट है कॉल रोजर्स भी कॉल रोजर्स भी मानवतावाद से संबंधित है ध्यान रखेंगे इस चीज का मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान किसने बोला मन का विज्ञान किसने बोला तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान बोला इटली के पम्पोनोजी ने ठीक है इटली के पम्पोनोजी ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन आपको पता है ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय स्कीनर तो स्कीनर के द्वारा गिवन है ये क्लासिकल कंडीशनिंग ओपरेंट कंडीशनिंग एक ही सॉरी क्लासिकल कंडीशनिंग पावलव के द्वारा गिवन है ओपरेंट कंडीशनिंग स्कीनर के द्वारा गिवन है ठीक है ओपरेंट कंडीशनिंग स्कीनर के द्वारा और ये क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा भाई पावलव के द्वारा और इस सिद्धांत के और भी तीन चार नाम हैं ये भी ध्यान रखेंगे ये सारे नाम इसी सिद्धांत के हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और प्रतिस्थापक डिस्प्लेसमेंट थ्योरी ये सारे के सारे नाम इसी सिद्धांत के हैं पावलव वाले क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के ही सारे के सारे नाम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के ही हैं ठीक है पुनर्बलन या परबलन का सिद्धांत तो ध्यान से सुनिएगा जब सिद्धांत की बात आती है तो सी एल हल ने दिया था लेकिन जब सीधा शब्द की बात आती है शब्द पर जो काम किया था वो स्कीनर ने काम किया था स्कीनर की थ्योरी संबंधित है पुनर्बलन से री का पूरा जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं आंशिक री एन्फोर्समेंट रेशियो प्राइमरी सेकेंडरी पूरा री का कंसेप्ट स्कीनर से रिलेटेड है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत मतलब व्यवहार सिस्टमेटिक होना चाहिए सबलीकरण हल ये एक ही बात है सबलीकरण सिस्टमेटिक ये सारा का सारा किसके द्वारा गिवन है भाई सी एल हल के द्वारा है तो आई थिंक आज के लिए काफी है काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी इसमें कम से कम भी डेढ़ सौ प्लस विधिया हैं तो दो तीन क्लास में कंप्लीट करवाऊंगी एक साथ हैवी हो जाती है ये पीडीएफ अचीवर्स अकेडमी निशा शर्मा के टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दी गई है आप वहां से पीडीएफ को अचीव कर सकते हैं ठीक है पीडीएफ से याद आया बहुत सारे बच्चे कहते हैं है, मैम हमें साइकोलॉजी के नोट्स की कंप्लीट पीडीएफ अवेल करवा दो हों तो साइकोलॉजी के नोट्स की कंप्लीट पीडीएफ अचीवर एकेडमी ऐप पर आपको मिल जाएगी साइकोलॉजी नोट्स के नाम से ठीक है साइकोलॉजी नोट्स के नाम से कंप्लीट पीडीएफ जिसमें पूरा डीप पीजीटी लेवल तक का कंटेंट है ठीक है तो कंप्लीट पीडीएफ भी आप चाहो ए दो पीडीएफ है एफ वही सीधी सी बात है एक फ्री सेक्शन में है वो ठीक है हेल्प कर देगी पीआरटी वालों को पूरी पूरी लेकिन जो पीजीटी वाले बच्चे हैं जो डीप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं पूरा तो एक कंप्लीट पीडीएफ भी है और कंप्लीट क्लासेस और कंप्लीट कोर्स तो है ही आपको पता है ठीक है लेकिन एक हैंड रिटन नोट्स के नाम से भी आपको ऑल कोर्सेज में मिल जाएगी तो आप चाहें तो कंप्लीट पीडीएफ वहां से ले सकते हैं डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं ठीक है एक मिनट एक दो कमेंट पढ़ लेती हूँ सो इनफ फॉर द डे आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू यदि वीडियो हेल्पफुल रही है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर व्यूज अबाउट द वीडियो कि ये इस टाइप की छोटी मगर मोटी बातें आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है बताना जरूर ठीक है एक दो कमेंट देख लेती हूँ मैं मैम पुरानी वीडियोस में कुछ वीडियो का साउंड क्लियर नहीं है समझ नहीं आ रहा अलका कोई बात नहीं बेटा आपका जो भी बैच है ना उसमें न्यू अपडेशन नाम से नई वीडियोस ऐड करवा रही हूँ मैं डेली रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं तो नई वीडियोस देख लेना पुरानी वीडियोस में जो भी साउंड है मैं एक्चुअली पता क्या कर रही हूँ मैं पुरानी वीडियोस को चेंज ही नहीं कर रही जिसका साउंड खराब है पढ़ाए रहने दो न्यू न्यू जो फोल्डर है उसमें सारी नई होंगी आप उनको देख लेना ठीक है यदि आपने न्यू अपडेशन देख रहे हो सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में तो पुरानी वीडियो देखनी जरूरी नहीं है मैं बताती हूँ क्या सीन है जो भी बच्चे बैच लेते हैं बेटा मैं आपको बता ही देती हूँ कि आप जो भी बैच ले रहे हो तो आपको फोल्डर्स मिलते हैं लेटेस्ट अपडेशन न्यू एडिट वीडियो न्यू अपडेशंस तो यदि आपको ऐसे फोल्डर्स आपके बैच में दिख रहे हैं जिस सब्जेक्ट के तो आप ये मानो कि आपको वो नए वाला ही फोल्डर पढ़ना है पुराने वाला नहीं पढ़ना और कोई सब्जेक्ट ऐसा जिसमें मैंने फोल्डर नहीं बना रखा नए वाला तो इसका मतलब क्या है उसकी पुरानी वीडियोस भी मोर देन सफिशेंट है वही पढ़ लो अब कई बच्चे कहते हैं है, मैम पुरानी वीडियोस हाइड ही कर दो आप नई नई ही पढ़ लेंगे लेकिन फर्क होता है पुरानी वीडियोस में भी एक बात न एक वो कहते हैं ना शुरुआती जज्बा होता है जब मैंने ऐप शुरू किया था ऐप भी नहीं व्हाट्सएप के थ्रू वीडियोज देनी शुरू की थी तो भाई मैंने ना बहुत प्यार से उनपे मेहनत कर रखी है मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको भी देख के और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं मैम हमें पुरानी वीडियो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उनमें तो बस आप एक मिनट का भी टाइम नहीं बर्बाद करते हो, और पागलों की तरफ पढ़ा रहे हो तो एक शिद्दत सी आती है और फटाफट -फड़ रिविजन हो जाती है इसीलिए मैं पुरानी वीडियो कभी डिसेबल नहीं करती कोई कोई बच्चा होता जिसको थोड़ा पढ़ने का मन नहीं यार पुरानी पढ़ लो तो वैसे जो नया कोर्स परचेज करता है तो वो पुराना कंटेंट बेशक ना देखे वो सिर्फ न्यू कंटेंट ही देखे ठीक है होप सो आपको आंसर मिल गया होगा बाय बाय टेक केयर ओके okay, संजू अभी धीरे धीरे मैं टाइमिंग बढ़ा रही आप देखो एक क्लास से मैं यूट्यूब की दो क्लासेस पे आ गई धीरे धीरे तीन पे भी आ जाएंगे टेंशन ना लो एक क्लास मैंने मॉर्निंग में सेट कर दी है ग्यारह बजे के राउंड और एक क्लास इवनिंग रात नौ बजे वाली तो है ही फिक्स ठीक है बाय बाय और मॉर्निंग में साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे रात को साइकोलॉजी पढ़ेंगे मॉर्निंग में तो कुछ और सब्जेक्ट लाऊंगी अभी तो अभी तो मैंने बस ऐसे ही ये पीडीएफ मेरे को मिली अच्छी कंटेंट था तो मुझे लगा पढ़ा देती हूँ ठीक है आप और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो ना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना की साइकोलॉजी तो रात नौ बजे है मॉर्निंग में किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो इस वीडियो के नीचे